है, ध्यान से देखो। कल तक हम लोगों ने क्या किया था? तो कल तक हमें देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होते हैं, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, और क्या देखा था कि कब कौन सी चीज इको कैसे कैलकुलेट होता है, इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या था चाहिए रहता है। ये सारी कहानी हम लोगों ने क्या करी थी, कल देख ली थी। आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या, रिवर्बरेशन, ठीक है ना। जब हम लोग रिवर्बरेशन की बात करते हैं, रिवर्बरेशन का मतलब होता है क्या, रिपीटेड, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड, दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज नोन एज रिवर्बरेशन। जब साउंड क्या हो रहा है, किसी बंद कमरे में बार बार क्या हो रहा है, ऑडिटोरियम में बार बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक ही आवाज मुझे क्या सुनाई दे रही है, बार बार तरीके से सुनाई दे रही है, और क्योंकि एक ही आवाज मुझे बार बार तरीके से क्या सुनाई दे रही है, तो मुझे कुछ भी साउंड क्लियरली नहीं आ रहा है। तो जो रिवर्बरेशन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, जिससे साउंड का परसिस्टेंस होता है। मतलब साउंड जो हम अभी तक उड़ जाना चाहिए था वो उड़ता नहीं है, वहीं की वहीं बंद कमरे में क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये कैसा होता है, अनडिजायरेबल होता है। ये क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है, हमें ऐसा साउंड नहीं चाहिए होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, जो भी क्लोज्ड कमरा है हमारा, जो भी हमारा क्लोज्ड कमरा है, उस क्लोज्ड कमरे में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्स पे, सीलिंग्स पे, फ्लोर पे, सब जगह पर साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल लगा देंगे, जिससे क्या होगा, साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जिससे साउंड क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ऐसे साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा ऐसे साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल कौन से होते हैं, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड होता है, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड होता है, और रफ प्लास्टर होता है, और ड्रेपरीज होती है। ड्रेपरीज समझते हो, कपड़े जैसी चीज जो किसी पे लपेट देते हो, वो कर्टन भी हो सकते हैं, सोफा के कवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सीट के मटेरियल हो सकते हैं, ताकि ये जितनी भी चीजें हो ये क्या करे, साउंड अब्सॉर्ब कर ले। और अगर ये साउंड अब्सॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, ये यहाँ पर रिवर्बरेशन नहीं होगा। बोलो, कोई परेशानी, ठीक है। तो जब हम लोग किसकी बात करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो इसके हमारी लाइफ में बहुत सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। यानी कि कुल मिला के मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है कुछ कुछ अप्लायंसेस में। जैसे कि सबसे पहला कौन सा है, हमारा मेगाफोन या फिर स्पीकर्स, या हमारा मेगाफोन या फिर स्पीकर्स। पुराने जमाने में जो मेगाफोन्स या स्पीकर्स आते थे, ये क्या होता था, इसमें एक ट्यूब होता था जिसके बाहर एक कोनिकल ओपनिंग होती, जिसके बाहर क्या होती थी, एक कोनिकल ओपनिंग होती थी। इस ट्यूब के साथ इस कोनिकल ओपनिंग का पर्पस क्या होता था, ताकि क्या हो जाए, साउंड जो है बार बार अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाए, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑडियंस की तरफ बहुत यूनिफॉर्मली चले जाए। अरे बात समझ में, कहीं ज्यादा नहीं और कहीं कम नहीं। तो अगर हम लोग को इसका क्या करना है,
All these instruments, like shehnais, loud hailers, horns, were designed in such a way that they send sound in a particular direction without spreading it in all the directions. In these instruments, a tube followed by a conical opening reflects sounds successfully to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience. ठीक है, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि शहनाई हो गई, लाउड हेलर्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, ये सबको कुछ इस तरीके से डिजाइन करा हुआ था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करें, साउंड भेजें और उसको अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट ना। सेकेंड एप्लीकेशन जो है इसका वो है तुम्हारा स्टेथोस्कोप। अब जब तुम लोग स्टेथोस्कोप देखोगे, जब तुम लोग क्या देखोगे, स्टेथोस्कोप देखोगे तो तुमने देखा होगा स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करता है वो कुछ इस तरीके का होता है, देखा है क्या? अब इसके तीन पार्ट रहते हैं। ये जो रहता है ये क्या होता है, ईयर पीस होता है, ये लंबी सी कॉर्ड होती है, और नीचे क्या होता है इसका, कोन शेप का फन होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेस्ट पीस। क्या कहते हैं? चेस्ट पीस। तो चेस्ट पीस से क्या होता है, साउंड अंदर जाता है, ट्यूब के अंदर मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा, ट्यूब के अंदर क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ये डॉक्टर को क्या, यही हार्ट बीट बहुत जोर की सुनाई देगी। क्लियर है? A stethoscope is a medical instrument used for listening sounds produced within a body. Stethoscope, the sound of the patient heartbeats reaches the doctor's ear by multiple reflection of sound. ठीक है, तो stethoscope में क्या होगा, जो साउंड है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगा, और मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होके पेशेंट की बॉडी से कहाँ चला जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ईयर पीस कहते हैं। ये क्या होता है, मेरे पास लॉन्ग ट्यूब होता है जो जनरली मेटालिक होता है, ताकि क्या हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो पाए। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेस्ट पीस बोलते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट पीस। क्लियर है? आगे जाए, नेक्स्ट है इसका थर्ड एप्लीकेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साउंड बोर्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारी थर्ड चीज है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साउंड बोर्ड बोलेंगे। क्या कहेंगे? साउंड बोर्ड। जो बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, उधर पे पहले रिवर्बरेशन से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, तो इसीलिए वहां पर साउंड बोर्ड लगाने लग गए, ताकि जो साउंड हो वो ढंग से रिफ्लेक्ट हो और यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट हो। आ रही बात समझ में, कि अगर इनकी सीलिंग जैसी कर्व्ड होगी, और इसकी सीलिंग कैसी होगी, कर्व्ड होगी, तो ये कर्व सीलिंग से क्या होगा, एक फायदा मिलेगा कि साउंड जो है वो एक साथ एक तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जनरली द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल, सिनेमा हॉल्स आर कर्व, सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। Sometimes a curved sound board may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the sound board spreads evenly across the width of the hall. Halls की होगी तो उधर पे क्या होगा, वो सीलिंग ऐसी बनी हुई रहती है, और कभी कभी जैसे यहाँ अमरीन स्पीच दे रही है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक साउंड बोर्ड लगा देंगे, ताकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी साउंड कहाँ जाए, ऑडियंस के पास जाए, और ये जो कर्व सीलिंग है इधर से भी रिफ्लेक्ट होके साउंड सब जगह नीचे की तरफ यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। ये जो सारी चीजें हैं ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या है, एप्लीकेशंस है। क्या ये कहानी समझ में आई?